पूर्व एक्ट्रेस जीनत अमान को अश्लील और धमकी भरे मैसेजेस भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद सरफराज एहसान नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में सड़क हादसे के बाद बाइक सवार की पिटाई हुई है। स्कूल जा रही छात्रों को टक्कर मारी, छात्रा के सर में चोट लगी है। मुंबई के कांदीवली के आदर्श वेलफेयर सोसाइटी में आग लग गई है। 3 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। बोधगया में धमाके की कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कल होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार। 5 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए कहा है। हनी ट्रैप मामले में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ FIR दर्ज। लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। MP के डिंडोरी में पुलिस कांस्टेबल के 4 पदों के लिए उम्मीदवारों की भीड़। 8वीं पास योग्यता वाले पद के लिए इंजीनियरिंग छात्रों ने भी आवेदन दिए हैं।